आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी सी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल का प्रस्ताव लौटाया है। प्रस्ताव में खामियां बताकर प्रस्ताव को लौटाया गया है। यूपीसीएल ने बिजली दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। 15 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग को यह प्रस्ताव भेजा गया था। 26 दिसंबर तक संशोधित कर फिर से प्रस्ताव अब भेजना होगा। वहीं उत्तराखंड में मदरसों में अभियान को लेकर सीएम का बयान सामने आया है। मदरसों में शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों का भी सर्वे हो, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। मदरसों के सर्वे तेजी से कराने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मदरसों में अभियान को लेकर सीएम ने बयान दिया है। शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी सर्वे किया जाए, मदरसों के सर्वे तेजी से कराने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। खबर धारचूला से, यहां काली नदी पर तटबंध निर्माण का कार्य को लेकर चल रहे विवाद के बीच दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया है। दरअसल 7 दिसंबर को दोनों देशों के बीच बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी रीना जोशी ने दोनों देशों के इंजीनियरों को तटबंध निर्माण के निरीक्षण के आदेश दिए, जिस पर अब दोनों देशों के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पाल साइड से जो टीम आई थी, जिसमें ACDO उनकी टेक्निकल टीम, उनके इंजीनियर आए थे, उनके साथ हमारी साइट विजिट हुई। उस साइट विजिट पे हमारी दोनों टेक्निकल टीम्स ने अपने प्लान शेयर किए और अभी हमारी यही बात चल रही थी जो हमारी पिछली मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, इसमें हमारा जो प्रॉपर प्लान है, जो भी अलाइनमेंट है वो हम नेपाल के साथ शेयर करेंगे, जो उनकी रिजर्वेशन है हम उन्हें प्रॉपरली टेक्निकल टीम्स बैठ के एड्रेस करेंगी। वहीं एमएड प्रवेश परीक्षा धांधली मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पूर्व रजिस्ट्रार भुवन चंद्र जोशी को नैनीताल कोर्ट ने दोषी मुक्त करार किया है। साल 2009 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में एमएड प्रवेश परीक्षा में धांधली के मामले में बीसी जोशी और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2009 में जो एमएड एंट्रेंस हुई थी, इसके रिजल्ट के संबंध में है। रिजल्ट के संबंध में यूनिवर्सिटी को कुछ केसेस पर डाउट हुआ। वो डाउट का कारण ये है, यूनिवर्सिटी के तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजल्ट को अच्छी तरह से चेक करके उसको पब्लिक नहीं किया। पुलिस वालों के साथ हुए विवाद को लेकर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान चैंपियन ने मुख्यमंत्री से डालनवाला थाना अध्यक्ष नंद किशोर भट्ट की शिकायत की। उधर चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का भी मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच अब SP ट्रैफिक देहरादून को दी गई है। इस व्यक्ति एनके भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। वो अपना पक्ष रखने आए थे, हमने SP ट्रैफिक देहरादून को SSP को निर्देशित किया कि SP ट्रैफिक देहरादून से जांच कराएं, जो सच होगा वैसे काम होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।